हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार, पीपिक्स चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर वेस्ट गोल्डन लोगो डिज़ाइन आप कैसे बनाएंगे वो मैं आज बताने जा रहा हूँ इस कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर में छोटा सा एग्जांपल, सबसे पहले आप यहां से पेज साइज A4 लगाइए, लैंडस्केप का वर्किंग कराइए और यूनिट आप इंच में वर्क को कराइए। तीन चीज़ ये हमारा सबसे पहला इस कोरल ड्रॉ के अंदर इस वेस्ट गोल्डन लोगो डिज़ाइन को बनाने के लिए, सबसे पहले एक मेज़रमेंट छोटा सा आप अपने पेज को सेट कर लीजिए। पेज सेट होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा एलिप्स टूल को सिलेक्ट करनी है और इसे आप कंट्रोल होल्ड बटन की मदद से आपको अपने वर्किंग एरिया में इसे आप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस एलिप्स टूल का जो ऑब्जेक्ट साइज है आप उसे 7 इंच पे वर्क करेंगे और इस शेप को आप पी बटन से पेज सेंटर को ले सकते हैं। इसे आप प्लस साइन से डुप्लीकेट करेंगे। प्लस साइन से डुप्लीकेट करने के बाद फिर से इसका सेकंड सर्कल एलिप्स का जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी आपका, इस जगह पे 3.5 लगाएंगे दोनों को सेट करने के बाद फर्स्ट को आप शिफ्ट के साथ ये बाहर वाली एलिप्स को आप पकड़ेंगे और बी बटन का एक शॉर्टकट कीबोर्ड फंक्शन से आप यूज़ करेंगे तो ये आपका बॉटम में आके सेट हो जाएगा। बॉटम में सेट होने के बाद इसके ऊपर आपको ये एलिप्स, बाहर वाली एलिप्स को पकड़ना है और आपको यहाँ से एक शेप टूल आप F10 शॉर्टकट की से भी इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पाई का ड्रॉ, पाई शेप को आप सेलेक्ट करेंगे और इस वर्किंग को आप शिफ्ट बटन के साथ में आप इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको एलिप्स टूल सबसे पहले सेलेक्ट करनी है और जो आपका ये पेटल्स मॉडल्स बना है इस पेटल मॉडल्स को सेलेक्ट करेंगे। पेटल्स मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस जगह पे ट्रिम एक शब्द आएगा, आप इसे ट्रिम करेंगे तो आपकी वर्किंग क्या होगी, एक छोटा सा आकार में आपका ये कट के आएगा। इसको करने के बाद इसी शेप के ऊपर आप अभी डबल क्लिक का फंक्शन लगाएंगे और आपके सामने ये एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे। पॉइंट को पकड़ने के बाद आप शिफ्ट बटन की मदद से आप इस पॉइंट को आगे की ओर आप बाहर करेंगे। इसको बाहर करने के बाद आप इसे बीच में एक छोटा सा स्मॉल क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शंस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन पे डबल क्लिक मारेंगे तो आपको ये राउंड होगा और राउंड होने के बाद इधर से एक हैंडल में आपको सिलेक्शन होगा और इस हैंडल के ऊपर आप काम करेंगे। इसे एक अपना बेसिक सेटिंग की मदद से इसे आप जितना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। इस बेसिक सेटिंग को आप सेट करेंगे। इस बेसिक सेटिंग को सेट करने के बाद में आपका इसके ऊपर वर्किंग होता है किसी डुप्लीकेट करना, तो डुप्लीकेट आप इसे सेंटर, इसका सेंटर पॉइंट पकड़िए। सेंटर पॉइंट को पकड़ने के बाद बाहर की एक हैंडल है, इस हैंडल को आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो आपको उसी वे में ये आपको फॉलोअप करेगा। आप इसे ऊपर की ओर लेके जाइए और इसे आप अपना माउस का आप राइट बटन क्लिक करेंगे, आपका शेप आपको डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट होने के बाद इसी प्रकार आप इसे डुप्लीकेट करते हुए चले जाइए।
आप इसे जितने आप रखना चाहते हैं। तो हमारा 5 टाइप्स का ये बेटल्स है, इसके अंदर में हमने 5 टाइप्स का बेटल्स बनाया। और इसे आप छोटा कर लीजिए तो आपका पेटल्स आपको दिखेगा। अब इस पेटल्स के अंदर में आपको कलर करनी है गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर को करने के लिए एक फंक्शंस कीबोर्ड का आप F11 की शॉर्टकट लगाएंगे, आपके सामने एक फाउंटेन फिल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और इस फाउंटेन फिल के अंदर आप एक प्रीशेट वर्क है, इस प्रीशेट में आप चले जाइए। प्रीशेट को आप यहाँ से सिलेंडर गोल्ड 1 का कलर को आप सेट कर सकते हैं। और इस जगह पे आप 90 डिग्री का डायमेंशन लगाइए, वाइट एरिया को आप येलो पे कन्वर्ट कीजिए। इस प्रकार आप इस पर कलर फिल कर सकते हैं। इसे आप मॉडल्स के ऊपर आप इसे ट्रांसपेरेंट आप क्लिक कर सकते हैं। इसे आप लिनियर रेडियल जिस व्यू में आप दिखाना चाहते हैं आप इसे दिखा सकते हैं। दोस्तों हमने अभी आपको इसे लिनियर पॉइंट से इसकी वर्किंग को हम लोग आपको अभी सेट करेंगे। इस गोल्डन लोगो डिज़ाइन के ऊपर आप इसे अपने हिसाब से जितनी की बेसिक सेटिंग आप देना चाहते हैं आप इसे लगा सकते हैं। जिस प्रकार का बेसिक सेटिंग आपको देनी है आप इसे सेट कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस ग्रेडियंट टूल्स को बारी बारी से आप इसे सेट कर सकते हैं। आप इसकी राइट आउटलाइन को हटा लीजिए, राइट क्लिक बटन आप प्रेस करेंगे इस क्रॉस लाइन के ऊपर, आपके शेप के ऊपर का आउटलाइन कलर चेंजिंग होके आएगा। इस प्रकार आप सेटिंग अपना बेसिक सेटिंग आप इस लोगो डिज़ाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। पूरी सिलेक्शन रहते हुए आप इसे कंट्रोल जी का एक शॉर्टकट कीज लगाइए ताकि ये आपका ग्रुप में कन्वर्ट होके आएगा। और इसे आप प्लस साइन से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और भी इसे डुप्लीकेट करना है तो आप उसे उठा के राइट क्लिक लगा के भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको इधर से आप मिरर कर लीजिए, हॉरिजॉन्टली मिरर करेंगे 180 डिग्री का डायमेंशन पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसे आप बेसिक शेप से छोटा सा छोटा कर सकते हैं, आप कहीं भी इसे आप एडजस्ट करके इसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़े का आपको ये गोल्डन लोगो डिज़ाइंस आपका बन के आएगा। और इस शेप के अंदर में भी आपको गोल्डन लोगो डिज़ाइंस देनी है तो इसमें भी आप F11 शॉर्टकट कीज लगाइए एंड कलर सिलेंडर गोल्ड 1 आप यहाँ से प्रीशेट कीजिए, डायमेंशन यहाँ से 90 डिग्री लगाइए एंड इस जगह पे आप येलो कलर फिल करते हुए इसे फिल कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार का आपको लोगो बन के दिखेगा। अब आप इसके अंदर एक छोटा सा टाइटल वर्क कीजिए तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट टूल का वर्क करेंगे। बेस्ट गोल्डन लोगो डिज़ाइन आप इसे टाइटल में कन्वर्ट कर लीजिए। फ़ॉन्ट आपका होगा, आप जिस प्रकार का इसके अंदर फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसके अंदर में भी सेम कलर हम लोग यूज़ करेंगे अभी F11 फाउंटेन फिल की मदद से। जितनी भी सारी वर्क है आप इस जगह पे कर सकते हैं, है ना। करने के बाद आप इसे ओके कर लीजिए। इस जगह पे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का वर्क करेंगे। इसे आप येलो कलर ले लीजिए, इसे भी आप फिल कर सकते हैं। एंड फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देख सकते हैं, अभी हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा और आपके पास डार्क फ़ॉन्ट आएगा। इस पूरे पेज को आप इस जगह पे एक डबल क्लिक रेक्टेंगुलर डबल क्लिक लगाइए और जितनी भी लाइटिंग आप ब्लैक कलर इसके अंदर आप दिखा सकते हैं, डार्कनेस ये आप दिखा सकते हैं।
तो दोस्तों आप इस तरह से 3D गोल्डन वेस्ट लोगो डिज़ाइन कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय बाय दोस्तों।